देखने वाले खूबसूरत से नाज़रीन को हमारा खूबसूरत सा सलाम। नियत शौक़ भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। ना मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। आज मिले हैं वो मुद्दतों के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। नहीं नाज़रीन, बिल्कुल नहीं, हम ना ही आज का दिन गुजरने देंगे और ना ही आपका नियत शौक़ भरेगा। अजी हमारे प्रोग्राम में, हमारे इस शुमारे में बातें ही इतनी हसीन हुआ करती हैं और कलाम के तो क्या कहने। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम तसव्वुफ़ की तरफ फिर से तवज्जो करते हैं, फिर से रुख करते हैं। तसव्वुफ़ के बारे में वज़ीर आगा के बखौल ए जी ब्राउन ने अपनी तसनीफ़ ए लिटररी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में तसव्वुफ़ के चार नज़रियात बताए हैं। उन नज़रियात पर रोशनी डालने से पहले, उन्हें जानने से पहले आइए एक खूबसूरत सा कलाम हो जाए। खूब रूप
تصوف سارے مذہب کے خلاف ایک آریائی رد عمل ہے اور تصوف نے ایران کی سرزمین پر جنم لیا ہے۔ ناظرین، تصوف کے نظریات آپ نے جانے، اور بھی ہم نظریوں پہ بات کریں گے، لیکن آئیے پہلے سن لیتے ہیں ایک خوبصورت سا صوفیانہ کلام۔
यही चराग, यही चराग इस तेरा पाकदान के लिए, यही चराग इस तेरा पाकदान के लिए, परोगे
देखता तो मोल ले प्यारा और ख़ूबसूरत सा कलाम आपके नज़र था नाज़रीन। गज़ल पे जाने से पहले हमने बात की थी नज़रियों की। आर एच निकल्सन ने अपनी तसनीफ़ ए लिटररी हिस्ट्री ऑफ अरब में लिखा है कि ये जो तसव्वुफ़ है वो बहुत क़दीम ज़माने से हिंदुस्तानी रिवायत से चलता आ रहा है, चाहे वो दुनिया का कोई भी मज़हब हो। तसव्वुफ़ हमें हर कहीं, हर जगह, हर मुकाम पर, हर मज़हब में मिल जाता है। तीसरी सदी ईस्वी में अस्कंदरिया का दौर हो या हिंद आराइयों का दौर, उपनिषदों का दौर हो या फिर जोगी संत सूफियों का दौर, तसव्वुफ़ हर जगह हमें मिलता है। तसव्वुफ़ में रूह की बातें होती हैं, हकीकत की बातें होती हैं, बंदे इश्क की बातें होती हैं और बंदे खुदा की बातें होती हैं। बातों का फ़लसफ़े का यहीं ज़िक्र रोकते हैं और हम रुख करते हैं एक बहुत ही ख़ूबसूरत ग़ज़ल की तरफ। Thank you.
خوبصورت غزلوں اور خوبصورت کلام کو سنتے ہوئے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہ رہا، لیکن وقت آ گیا ہے کہ آپ سے ودا لیں۔ اپنی دوست ممتاز صنم کو اجازت دیجیے گا، ہم پھر سے بہت ہی خوبصورت سا شمارہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔